बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा आपके सामने हाज़िर होने का यही मकसद है कि 14 अगस्त को जो मीनार पाकिस्तान पर एक वाकया पेश आता है, उसमें एक लड़की को उछाला जाता है, उसकी बेइज्जती की जाती है, उसकी इज़्ज़त को दागदार किया जाता है, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, फिर उसको हवा में उछाला जाता है। तो ये वाकये पर चुप रहने वाली बात नहीं है, इस वाकये पर चुप नहीं रहना चाहिए। देखें, वही जगह जहां हम खड़े होकर नारे लगाते हैं मीनार पाकिस्तान पर, वही जगह जहां हम धड़ल्ले से खड़े होकर कहते हैं कि हम कश्मीर की इज्जतों की हिफाजत करेंगे, हम कश्मीर की इज्जतों को नीलाम नहीं होने देंगे, हम कश्मीर के शाना बशाना खड़े हैं, आज उसी पाकिस्तान में, आज उसी मीनार पाकिस्तान पर जहां हम खड़े होकर हम धड़ल्ले से अपनी गैरत का इजहार करते हैं, आज उसी पाकिस्तान पर, आज उसी मीनार पाकिस्तान पर एक इज्जत, एक लड़की की इज्जत के साथ खेला जाता है, बताओ हमारी कहां गई गैरत? तो आज उसी पाकिस्तान में हमारे इज्जत महफूज नहीं है। क्यों है? ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से दूरी हासिल करने का यही नतीजा है कि अपने ही मुल्क में आज हमारे इज्जत महफूज नहीं है, आज हमारी आबरू महफूज नहीं है। मेरे भाइयों, हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अपनानी होगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी होगी, फिर हमारी इज्जत महफूज रहेंगी, हमारे मुल्क में अमन आएगा, फिर हम बेसकून से चलेंगे फिरेंगे, फिर कोई टेंशन नहीं होगी। सिर्फ यही है कि हमने दीन से दूरी हासिल कर ली है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से दूरी हासिल कर ली है, अब ये इसी का नतीजा है और ये हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए।